और जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको डर लगता है कि हम यहाँ से अगर सोना लेके जाएंगे तो एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे या टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। तो कितना सोना एक आदमी लेके जा सकता है कि उसको कस्टम ना देना पड़े। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ गोल्ड सूक अल मसल्ला में। बहुत सारे भाई लोग हैं जो ईद के मौके पर या ईद के बाद घर जाने वाले, लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं कि कितना सोना वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। जब जाएंगे तो एयरपोर्ट पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो आज यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और सारी जानकारी आपको देता हूँ। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो ये देखिए, ये है गोल्ड सूक और ये इसका एंट्रेंस है। चलते हैं हम अंदर, आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्तुति डायमंड्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पे चलते हैं पता करते हैं। देखिए इनके पास तो गोल्ड वगैरह बहुत सारे सेट हैं यहाँ पे। अब अंदर चलते हैं, इनसे पता करते हैं कि गोल्ड का रेट वगैरह क्या है यहाँ पे। गुड इवनिंग। हाँ जी, और सर कैसे हैं? बस ठीक है सर। हमको ये जानना था कि यहाँ पे गोल्ड का अभी क्या रेट चल रहा है। अभी गोल्ड का इधर 24 कैरेट का 223.75 चल रहा है और 21 कैरेट का 207.25, 21 का 200.50 और 18 कैरेट 172 दिरहम्स फॉर 18 कैरेट। अच्छा, ये एक ग्राम का रेट लिखा हुआ है। हाँ जी, 223 दिरहम और 75 फिल्स, वो 24 कैरेट का। ओह, 24। अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ या कुछ बनवाता हूँ तो क्या उस पर कुछ चार्ज भी लगता है? हाँ जी, मेकिंग चार्ज लगता है जो, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड आप लेते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, 0% मेकिंग चार्ज है 24 कैरेट की चीज़ के ऊपर। तो भाई लोग, अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड बनवाते हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर 22 कैरेट का या 18 कैरेट का बनवाते हो तो उस पर कितना चार्ज लगेगा? 22 और 18 में अलग अलग चार्ज है। 22 जो है सिंगापुर है, मेड इन मलेशिया है, अलग अलग कंट्री का बना है, तो वो हिसाब से डिफरेंट मेकिंग होता है। इटाली का थोड़ा कॉस्टली होता है मेकिंग, सिंगापुर मलेशिया है, बहरीन है, वो सब अलग अलग है थोड़ा। फिर भी मिनिमम कुछ बता दें कि आदमी को एक आइडिया हो जाए, जैसे अगर सिंगापुर का है तो उसका कितना चार्ज समझो ना, अप्रॉक्सीमेटली आप समझो तो डिपेंड ऑन कितना ग्राम है, हैवी है, चीज आइटम है उसके। मान लीजिए कोई 10 ग्राम का बनवाता है तो उसको कितना चार्ज आ जाएगा? समझो पर ग्राम जो है 10 दिरहम से लेके 30 दिरहम तक, पूरा 10 से 30 दिरहम के बीच में एवरेज प्राइस है। और जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको डर लगता है कि हम यहाँ से अगर सोना लेके जाएंगे तो एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे या टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। तो कितना सोना एक आदमी लेके जा सकता है कि उसको कस्टम ना देना पड़े? नहीं देखिए, अपने मुल्क में कम से कम 1 लाख रुपए का तो आप लेके जा सकते हो लीगली, और इनवॉइस होना चाहिए, 1 रुपया टैक्स नहीं देना आपको। ओके, 1 लाख का लेडीज लेके जा सकती है और 50,000 का जेंट्स को अलाउड है, तो उतनी अमाउंट जो इंडियन रुपीज में होती है उसमें तो कोई टैक्स है ही नहीं, और आप पर्सनली यूज करके रेगुलर पहनते हो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये सब है, कोई डरने का बात या कोई वो नहीं, आप बिल रखें अपने पास और ओरिजिनल टैक्स, इधर का यूए का टैक्स भरा होना चाहिए, इधर का पेमेंट होना चाहिए, बिल का टैक्स होना चाहिए, और 24 कैरेट में 0% टैक्स है, उसमें कोई उसको वैट नहीं देना है 24 कैरेट की आइटम के। तो भाई लोग, अगर आप 1 लाख तक, अगर आपके वाइफ साथ में है तो आप 1 लाख तक वो यहाँ से गोल्ड लेके जा सकती हैं, लेकिन साथ में इनवाइस होना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आप 50,000 तक लेके जा सकते हैं गोल्ड, कोई कस्टम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इनवाइस आपके साथ होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फिर टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये भाई की ये शॉप है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ज्वेलरी है अच्छी अच्छी। आर्टिफिशियल भी बेचते हैं आप लोग? नहीं, ओनली गोल्ड। ओनली गोल्ड? हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको गोल्ड का आइटम मिलेगा। ये देखिए ब्रेसलेट वगैरह है, प्राइस भी मेंशन है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे है। आप आ सकते हैं यहाँ पे, विजिट कर सकते हैं, और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।